नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ बोखरा प्रखंड के पोखरैला पंचायत में, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का। देखिए, ये आंगनवाड़ी केंद्र इसी स्कूल के ऊपर में चलता है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र के जो सेविका सहायिका है, देखिए इस कुर्सी पर बैठी हुई है। आंगनवाड़ी केंद्र है ऊपर में, लेकिन बैठी हुई है यहाँ। अब भी गई है ऊपर, आपको हम साइड में डाल देंगे। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं ऊपर में। आइए, ऊपर में आंगनवाड़ी केंद्र है, आइए। देखिए, यही आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन इसमें के सहायिका और सेविका नीचे बैठी हुई थी। आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र यही है, आइए नजदीक में आइए। आंगनवाड़ी केंद्र यही है, तो यहाँ पर आपको पढ़ाना है, तो नीचे बैठी हुई थी आप। आज से इसलिए धूप में बैठ गए थे, लेकिन इसमें हम आए हैं। देखिए, साइड में चला देंगे, कैमरा में मात्र दो बच्चा था इसके अंदर में, सब बच्चा तो नीचे था। नीचे ही बैठे, हम से तो उनको नीचे बैठा दिए, तो नीचे ही बैठा देते। यूनिफॉर्म में नहीं है, आता है यूनिफॉर्म में, इतना ज्यादा दिन मिले हुए सहायिका कौन है वहाँ? सुनिए ना, देखिए, आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं महीना बढ़ाने के लिए, 21 सूत्री मांग के लिए, लेकिन आप लोग उसी में कहाँ काम कर रहे हैं जो अभी वीडियो में है? आप नीचे बैठी हुई है, जरूरी नहीं है कि आप 5 मिनट से बैठी होगी, अब 1 घंटा से भी बैठी होगी। अब फिर हम नीचे से ऊपर से नीचे गए ही थे। आपका मेनू भी नहीं लगा हुआ है, आज क्या बना हुआ है? आज बना हुआ है, आप बनेगा? टाइम कितना हो रहा है? बन रहा है, इधर जा रहे हैं। आइए आइए, इधर आइए। अभी स्टार्ट किए ना? छुट्टी कितने बजे देते हैं? 2 बजे। अगर घर के, एक मिनट, घर के अगर गार्जियन ही एक्टिव नहीं रहेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा? पहले घर में काला पढ़ना इतना करते हैं, आज नहीं पहनना है? देख सकते हैं बोखरा प्रखंड के पोखरैला पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र, केंद्र संख्या कितना है? 62 है। और यहाँ का जो हालात है, जो आप लोग डिस्प्ले में देख लिए हैं, और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए आजाद बिहार न्यूज, अजीत कुमार के साथ। धन्यवाद।